वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। और एक और बड़ी गुड न्यूज आप सबके लिए आ चुकी है, स्पेशली फॉर क्लास 9th और क्लास 11th। परसों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बात कर रही है सीबीएसई से और कभी भी बड़ी खबर आ सकती है। तो जो बड़ी खबर में झारखंड के बाद, तमिलनाडु के बाद एक और स्टेट जुड़ गया है और उस स्टेट का नाम है उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा सरकार ने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अब हम ऑनलाइन एग्जाम लेंगे। मतलब बच्चों के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा था, पेरेंट्स जो मतलब स्कूल में आके अपनी गुस्सा जाहिर कर रहे थे, उसके बाद जो उड़ीसा है, उड़ीसा सरकार ने क्लियर कर दिया, अगर कोई स्कूल ऑफलाइन एग्जाम लेना चाहता है अगर, तो तब ले सकता है अगर पेरेंट्स यस कर रहे। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चों पर थोपा नहीं जाएगा। जो बच्चा, जो पेरेंट चाहता है या जो स्कूल्स, वैसे तो ऑलमोस्ट ऑनलाइन के लिए ग्रीन सिग्नल है, लेकिन अगर कोई पेरेंट या बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें ऑफलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके लिए ऑफलाइन एग्जाम भी कराया जाएगा उड़ीसा के अंदर। अब तुम जो लोग, जो जिस भी स्टेट से ये वीडियो देख रहे हो, देखो यार, कोई भी जो चीज होती है ना, वो दोनों तरफ से काम करने से होती है। हम अपने चैनल के माध्यम से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को, आप लोगों का अधिकार मिले, लेकिन मान के चलो आपके पेरेंट्स कोई कोशिश नहीं कर रहे, आप कोई कोशिश नहीं कर रहे, तो हो सकता है कि रिजल्ट ना आए या देर में आए। आप लोग अपनी कोशिश करो, हम आपके अपने इस चैनल के माध्यम से हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे भी कोई भी अपडेट दोबारा से आएगा या किसी दूसरे स्टेट के लिए आएगा, किसी पर्टिकुलर स्कूल के लिए आएगा, सबसे पहले हम इंग्लिश बाबा चैनल पे लेके आएंगे। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। बाय।